डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, वाटर टेम्परेचर सेंसर की वायरिंग जो फ़ैन के रिलेटेड है, इसके कनेक्शन फ़ैन में किस तरह होते हैं, तो अब ये मेरी दूसरी वीडियो है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था EFI गाड़ियां जो उनके स्विच की वायरिंग, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मैरान का स्विच है, ठीक है, सुजुकी मैरान जो पाकिस्तानी गाड़ी है, इसका स्विच है, और ये अल्टो VXR का स्विच है, ठीक है। तो इस स्विच में कनेक्शन इस तरह होते हैं, इस स्विच के आगे रिले लगी होती है फैन को चलाने के लिए। ये VXR का स्विच है, वायर वाले फ्यूज़ बॉक्स में इसमें रिले होती है। तो इसके मैं आपको कनेक्शन ज़रा समझा दूँ, इसके बाद मैं मैरान के आपको बताऊँगा। तो ये है अल्टो VXR फैन, वायरिंग डायग्राम, ठीक हो गया, अल्टो VXR फैन वायरिंग डायग्राम। तो फैन किस तरह चलता है गाड़ी में, ये होता है स्विच इंजन का जो टेम्परेचर रीड करता है, और ये सिग्नल देता है आगे रिले को, ये आगे आपका वाटर टेम्परेचर। इसके ये दो कनेक्शन है, ठीक है। इसमें एक कनेक्शन में आता है पॉजिटिव इग्निशन वायर, जब आप स्विच ऑन करते हैं तो इसमें एक चाबी स्विच की तार होती है, ठीक है, और ये दूसरी तार जो होती है ये जाती है, ये वायर वाला जो फ्यूज बॉक्स होता है इसमें रिले होती है, फैन रिले में, ठीक है। फैन रिले के ये चार पॉइंट्स हैं, ठीक है, एक हो गया ये पॉजिटिव का और एक ही हो गया नेगेटिव का, ठीक हो गया, और ये हो गया इन और ये हो गया आउट, ठीक है। इसके साथ आगे ये आ गया फैन गाड़ी का, ये हो गई पॉजिटिव आउट पॉजिटिव और ये हो गई नेगेटिव। तो ये हो गया अल्टो VXR का फैन का कनेक्शन, ठीक है। ये इसका टेम्परेचर वाला स्विच है, ठीक हो गया फैन का, इससे कनेक्शन आएगा रिले में, रिले से जैसे कि आप ये डायग्राम देख सकते हैं, रिले से इन होगी मेल और आउट होगी पॉजिटिव फैन में, और ये होगा इस फैन का एक ग्राउंड। तो ये हो गया अल्टो VXR का फैन। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उसमें मैं हम आपको बताएंगे कि टू डी सैलून के कनेक्शन किस तरह करते हैं और अल्टो मैरान के किस तरह करने हैं। ये स्टेप बाई स्टेप छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे ताकि आप लोग बोर ना हो सकें। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।